स्टूडेंट्स, आज हम लोग नेट का जो कंपलसरी पेपर है उसमें एक नए यूनिट की शुरुआत करने जा रहे हैं, यूनिट सेकंड, जो कि हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड है, यानी कि शोध या अनुसंधान अभियोग्यता से संबंधित है। देखिए, यूजीसी नेट का जब हम लोग पेपर दे रहे हैं या देने की तैयारी कर रहे हैं या इसमें कहीं ना कहीं अपने आप को जो है वो सफल बनाने का प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बेसिकली जो हमारा मोटिव है वो हमारा मोटिव जो है वो दो ही है। या तो हम अपने आप को रिसर्च के फील्ड में आगे ले जाना चाहते हैं, या फिर हम अपने आप को शैक्षणिक दृष्टिकोण से जो है वो एक शिक्षक के रूप में अपने आप को भविष्य में देखना चाहते हैं। तो जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है आपका, उस टेस्ट के अंदर जो ये शोध अभियोग्यता का जो पार्ट है वो क्यों समाहित किया गया है, उसको समाहित करने के पीछे जो है वो दो लॉजिक हैं। दो लॉजिक क्या हैं? पहला तो ये कि एक शिक्षक जब आप बनते हैं तो शिक्षक बनने के साथ साथ जो है एक शिक्षक की खूबियों में ये शामिल होना चाहिए कि वो एक अच्छा शोधकर्ता होना चाहिए। क्यों होना चाहिए शोधकर्ता? क्योंकि अगर वो एक अच्छा शोधकर्ता है तो जितने भी उसके सामने कंटेंट हैं, जितने भी आंकड़े उसके पास हैं जो कि उसको स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, उसके साथ साथ नवीनतम कौन से और आंकड़े आए हैं, नवीनतम और कौन से कंटेंट आए हैं, हर मायने में वो क्या होता है, अपने आप को अपग्रेड करके चलता है। अपग्रेडेशन जो है वो उसमें चलता ही रहता है। क्यों? क्योंकि वो एक अच्छा रिसर्चर होता है, वो सोचता है कि मैं स्टूडेंट्स को कितनी अच्छे तरीके से वो कंटेंट डिलीवर करूँ जिससे वो कंटेंट उसको पूरी तरीके से समझ में आ जाए, ना सिर्फ वो उसको याद करे बल्कि उसके जहन में जो है वो कंटेंट पूरी तरीके से जो है वो उसके कॉन्सेप्ट को फिट कर ले। अब उस कॉन्सेप्ट को फिट करने के लिए या उस कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से समझने के लिए ये आवश्यक है कि शिक्षक के द्वारा जो कंटेंट स्टूडेंट्स को दिए जा रहे हैं उन कंटेंट को वो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग डिलीवर करे, अर्थात कौन से स्टैंडर्ड को पढ़ाया जा रहा है ये ध्यान में रख के डिलीवर करे, क्लासरूम के अंदर किस प्रकार के स्टूडेंट्स हैं, यानी कि देखिए अगर हम लोग स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो एक शिक्षक जो है, एक प्रभावी शिक्षक जो होता है, जो अपना प्रभाव स्टूडेंट्स के ऊपर छोड़ता है, वो स्टूडेंट्स किस तरीके के हैं क्लासरूम में, यानी कि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी उनकी परफॉर्मेंस है या मॉडरेट परफॉर्मेंस होती है, या कुछ बालक स्टूडेंट्स ऐसे भी क्लास में हो सकते हैं जो बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं क्लास करने में, उनका इंटरेस्ट जो है वो कहीं और होता है, तो उनको कैसे किस तरीके से हम इंटरेस्ट डेवलप कराएंगे अपनी कक्षा में जो है वो बैठने के लिए, क्लास के कंटेंट को पढ़ने के लिए, ये सभी काम किसका होता है, ये सभी कार्य जो है वो शिक्षक के कार्यों में समाहित होता है। क्योंकि अगर मैं शिक्षक की बात करूँ, हमने शिक्षण अभियोग्यता में भी ये चीज़ देखा था कि एक शिक्षक केवल पढ़ाने वाला एक व्यक्ति नहीं होता है, अपितु वो बच्चे का भविष्य बनाने वाला, मतलब जो स्टूडेंट्स उनके साथ होते हैं उनके करियर पथ में कहीं ना कहीं उनको बनाने वाला जो है एक शिक्षक भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि उसका जो गाइडेंस होता है उस गाइडेंस के बेसिस पे जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपनी प्रतिभाओं में उभर करके सामने आए और उन्होंने अपने अपने करियर में जो है वो अपनी प्रतिभा को उजागर किया है। तो उसी तरीके से जो जब हम शिक्षण अभियोग्यता की बात करते हैं तो शिक्षण अभियोग्यता के बाद जो है शोध अभियोग्यता एक शिक्षक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कारक होता है। इस कारक को इसलिए भी समाहित किया गया है ताकि आप बच्चों को अगर पढ़ा भी नहीं रहे हैं तो डे टू डे लाइफ में जो है किस तरीके के नवाचार हो रहे हैं आपके विषय से संबंधित, आपके टॉपिक से संबंधित, कहाँ कहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस हुई और किस तरीके से, किस कॉन्फ्रेंस में, किस सम्मेलन में क्या कहा गया, उससे संबंधित कौन सी नई पद्धतियाँ आई हैं, कौन से नए नवाचार आए हैं, किस तरीके से हम उनका प्रयोग कर सकते हैं, एफिशिएंसी को कैसे बढ़ा सकते हैं हम अपनी भी, और किस तरीके से एक बेहतरीन रिजल्ट को दे सकते हैं, स्टूडेंट्स के लिए कैसे ये प्रतिफल देगा, एक संस्थान के लिए किस प्रकार से ये लाभदायक होगा, सोसाइटी इसका प्रयोग किस तरीके से कर सकती है और कितना लाभान्वित हो सकती है, ये सभी चीजें, इन सभी बातों का ध्यान जो है इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंतर्गत जो है वो देखा जा सकता है। इस वजह से इस टॉपिक को आपके कोर्स में शामिल किया गया है क्योंकि
आप एक भविष्य के जो है वो शिक्षक के रूप में दिख रहे हैं। सिलेक्शन होने के बाद एक अच्छे शिक्षक के रूप में आप उभरेंगे और आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप जो प्राचीनतम अनुभवों के आधार पे जो ट्रेन चल रहे हैं उसको भी अपनाएं। आपके जो अपनी शैली है या आपके अपने जो व्यक्तिगत कलाएं हैं, आपके जो अपने व्यक्तिगत कौशल हैं, जो आपके पास ज्ञान है, इन सबको समाहित करते हुए आप बच्चों को जो है डिलीवर्ड करें, और उसके बाद इन सबको समाहित करते हुए प्राचीन अनुभवों के आधार पे और आपके अपने पास जो वर्तमान में जो आपके अपने खुद के जो व्यक्तित्व के जो भाग हैं उनका प्रयोग करके, और जिस तरीके से जो है वो इस समय जो एजुकेशन के फील्ड में जितने भी नवाचार प्रस्तुत किए जा रहे हैं उनको अपना करके आप किस तरीके से शिक्षण को आगे ले जाते हैं, ये जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है। और कहीं ना कहीं इसको सक्सेसफुल करना या इसको प्रयोग में ना लेकर के किसी भी पद्धति को जो है वो अनसक्सेसफुल करना, ये सब जो है वो शिक्षक के हाथ में होता है। तो इस वजह से हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे, और मैं आपको डिस्कस करना चाहती हूँ कि इस टॉपिक के अंदर या इस यूनिट के अंदर हम सिलेबस में जो है क्या-क्या देखने वाले हैं। जो कमीशन ने सिलेबस दे रखा है हम उस सिलेबस को देखते हैं और बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग जो है अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। देखिए, जो हमारा सिलेबस है वो बेसिकली 6 पार्ट्स में जोड़ा गया है। सिलेबस का मतलब मैंने शोध अभिवृत्ति से बात की, यानी कि हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो जो रिसर्च एप्टीट्यूड वाला जो हमारा यूनिट है, इस यूनिट को 6 भागों में विभाजित किया गया है। जो हमारा पहला भाग है वो हमारा शोध से संबंधित जो इंट्रोडक्शन है उससे संबंधित है। उसका अर्थ हमें पढ़ना है, प्रकार पढ़ना है, विशेषताएं पढ़नी है, यानी कि रिसर्च मीनिंग टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है, और इसी के साथ साथ प्रत्यक्षवाद एवं उत्तर प्रत्यक्षवाद शोध के उपागम भी पढ़ने, यानी कि पोस्टिसिज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच टू रिसर्च, ये हमें जो है इसी टॉपिक के अंतर्गत पढ़ना है। हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं, जो हमारा दूसरा टॉपिक है, इसमें हमें शोध की पद्धतियां पढ़नी है, यानी कि जो मेथड्स होते हैं, जो रिसर्च हम किस तरीके से कर सकते हैं, किन किन तरीकों को प्रयोग में लेते हैं। तो जो मेथड्स होते हैं, जो पद्धतियां होती हैं, या जो शोध के बेसिकली प्रयोग में लिए जाने वाले जो उपागम होते हैं, इन सब के बारे में जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें हमें जो है वो 5 पढ़ना, जो शोध की पद्धतियां होती हैं बेसिकली प्रयोगात्मक, विवरणात्मक और ऐतिहासिक, ये 3 पद्धतियां होती हैं। लेकिन देखिए, जैसा कि मैंने आपसे बोला है कि रिसर्च वाला जो यूनिट है वो इसीलिए शामिल किया गया है कि इसमें कुछ अपग्रेड होता है या कुछ नई तरीके की कुछ शिक्षण से संबंधित कोई जानकारी आती है, तो उसका उपयोग करके एक शिक्षक जो है वो शिक्षण का कार्य संपादित करे। तो ये 3 जो है वो पद्धतियां जो है वो पहले से प्रयोग में ली जा रही थी। अब जो गुणात्मक और मात्रात्मक, ये 2 पद्धतियां जो है वो अभी इसमें ऐड की गई हैं। पहले ये गुणात्मक और मात्रात्मक इन तीनों के ही भाग होते थे, यानी कि तीनों में जो है ये समाहित होते थे, लेकिन अब जो है हम लोग इसको डिफरेंट, बिल्कुल अलग से ही जो है वो 2 अलग रूपों में और अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो ये हमारा दूसरा टॉपिक है। नेक्स्ट तीसरे टॉपिक पे आते हैं। तीसरा टॉपिक, एक बार मैं इसको ऊपर कर लेती हूँ, ठीक है। तीसरा टॉपिक है, ये है शोध के चरण, ठीक है। ये तीसरा टॉपिक है, यानी कि स्टेप्स ऑफ रिसर्च। जैसे कि शोध या अनुसंधान की हम बात करते हैं, या हम किसी भी सिस्टमेटिक जब कार्यों की बात करते हैं, तो हर सिस्टमेटिक कार्य जो है वो अरेंज्ड वे में होता है, यानी कि उसको जो है वो स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। तो शोध जो कार्य हम लोग करते हैं बहुत ही स्टेप बाय स्टेप, इसके भी जो है वो सिस्टम बनाए गए हैं, यानी कि आपकी जो रूपरेखा है, जब आप शोध को तैयार करते हैं, जब आप स्टार्ट करते हैं, जब उसकी प्रस्तावना बनाते हैं, और जब एंड होता है, तो एंड में आप किस तरीके से जो है क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं और किस तरीके का परिणाम प्रतिफल जो है वो प्रस्तुत कर रहे हैं, जो बीच में जितनी चीजें होती हैं, ये सभी क्या होती हैं, स्टेप बाय स्टेप होती हैं। तो वो स्टेप कितने प्रकार के हैं, क्या क्या हैं, और उनमें किस तरीके से हम लोग जो है वो कार्य करते हैं, और स्टेप्स के अंदर भी जो है कौन कौन से किस प्रकार के कार्य किए जाते हैं,
ये सब हम लोग इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो चौथा टॉपिक है हमारा शोध प्रपत्र से रिलेटेड है, यानी कि थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग से रिलेटेड है, जिसमें हम लोग फॉर्मेट और संदर्भ की शैली, यानी कि फॉर्मेट एंड स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग, ये जो है वो कंप्लीट अध्ययन करेंगे। जो पांचवा टॉपिक है वो है शोध में ICT का प्रयोग, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ICT इन रिसर्च, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आधुनिकतम समय में अगर आप देखें तो ICT एवरीवेयर है, हर एक जगह पे है, जहाँ पे भी हम शिक्षण का कार्य कर रहे हैं, ना सिर्फ शोध का बल्कि शिक्षण का कार्य जहाँ पे भी संपादित हो रहा है वहाँ पे ICT का प्रयोग जो है वो बहुत ज़्यादा होने लगा है। और अभी की अगर मैं बात करूँ तो आज का जो शोध छात्र है, इस साल जितने भी स्टूडेंट हैं जो रिसर्च के लिए अपना नामांकन करा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ICT के जरिए जो है वो अपने थीसिस को या अपने शोध के कार्यों को इस सेशन में ज़्यादा कर पाएंगे, क्योंकि आपको भी पता है पैंडेमिक के बाद जो है जो एक साथ मिल करके या पर्सनल विजिट करके जो संस्थानों पे या विश्वविद्यालय पे या यूनिवर्सिटीज में जो कार्य किए जा सकते थे वो अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में जो है वो ICT का प्रयोग जो है वो बहुत ही जो है वो बेहतरीन सामने आया है, और ऐसे बहुत सारे नए अनुप्रयोग हुए हैं जिनको हम लोग इसके अंतर्गत देखेंगे। और अगर आपने शिक्षण अभियोग्यता वाला यूनिट पढ़ा होगा तो उसमें जो है एक बिल्कुल लेटेस्ट जो है वो ओपन बुक सिस्टम, जो कि मूल्यांकन प्रणाली का एक भाग जिसको बनाया गया, एवेल्युएशन सिस्टम का जो एक भाग बनाया गया है, उसके विषय में मैंने बहुत डिटेल में जो है वहाँ पे पढ़ाया था। तो ये जो है ICT के अनुप्रयोग ही हैं, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है इनका जो एक समन्वित रूप होता है, जिसका प्रयोग करके जो है हम लोग अभी भी जो है वो अपने क्रियाकलापों को आगे अग्रसित किए हुए हैं। एक ICT का प्रयोग करके, ये भी एक ICT का प्रयोग ही है जो वर्तमान में जो मेरी क्लास चल रही है और आप इसको देख रहे हैं, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ICT। ये भी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का एक भाग हो गया, एक हिस्सा हो गया, उसका एक अनुप्रयोग हो गया। अदरवाइज आप क्लास में आकर के बैठते, मैं सिंपल जो है वो क्लास लेक्चर्स जो होते हैं उस तरीके से देती, आप अपनी कॉपी में कंटेंट को नोट करते और आप अपने घर जाते, बट वो पॉसिबल अभी नहीं हो पा रहा है। सो दैट वी आर यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एंड इसके जरिए जो है हम लोग अपने पठन पाठन का कार्य जो है वो आगे क्रियाशील कर रहे हैं। यानी कि किसी भी तरीके से जो है जो हमारी क्रियाशीलता है एक शिक्षिका के रूप में, मैं स्टॉप नहीं हुई पढ़ाने से, और एक स्टूडेंट के रूप में आप जो है रुके नहीं पढ़ने से, हम दोनों का कार्य जो है वो अभी भी चल रहा है। पहले जो है वो हम लोग आमने सामने बैठ करके ये कार्य करते थे, लेकिन पैंडेमिक की वजह से, COVID-19 की वजह से वो चीज़ बाधित हो गई, लेकिन हमारा जो पठन पाठन का कार्य है ये बाधित नहीं हुआ। हमने जो नए हमारे उपागम हैं, जो नए अप्रोचेज हैं, उनको जो है उपयोग में लिया और उपयोग में लेकर के हमने शिक्षण का कार्य आगे करना स्टार्ट किया। तो ये एक तरीके से जो है वो ICT का प्रयोग ही है। और शोध अभियोग्यता के अंदर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं एक अच्छी रिसर्चर नहीं होती, अगर मैं मेरे अंदर शोध की अच्छी काबिलियत नहीं होती, तो शायद मैं आज आप लोगों के सामने इस तरीके से नहीं पढ़ा रही थी। लेकिन मेरे अंदर वो काबिलियत है, मैंने उसको अपनाया, और हमारे आमने सामने जो शिक्षण नहीं हो सकता है उसको मद्देनजर रखते हुए किस तरीके से शिक्षण का कार्य किया जा सकता है, हमने नई पद्धतियों को अपनाया है, नए तरीकों को अपनाया है और नए तरीके से जो है आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एक स्टूडेंट्स को जो है सामने, आप एक क्लास में अगर 50-100 स्टूडेंट्स को साथ में पढ़ा रहे हैं और सामने खड़े होकर के पढ़ा रहे हैं, और अचानक से आपसे कह दिया जाए कि आप उनको ना पढ़ाओ, आप कैमरे को पढ़ाओ, तो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन होती है। यकीन मानिए, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन होती है कि कैमरे को आप पढ़ा रहे हैं, जहाँ पे वहाँ से जो है हमारे को साउंड भी नहीं आ रहा है, ना तो हम ये रिएक्शन देख पा रहे हैं कि अगले को समझ में आया या नहीं आया, बट फिर भी एक हाइपोथेटिकल वर्चुअल जो है वो हम लोग क्लास का एक पार्ट अपने आप को मान रहे हैं, और हमें ये लगता है कि ठीक है, हमारे स्टूडेंट सामने ही तो बैठे हैं और हम अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या है, ये अगेन जो एक रिसर्च को अपनाने वाली बात है। हम जो नए जो हमारे उपागम है शिक्षण से रिलेटेड, हम उनको अपना करके अपनी क्रियाशीलता को आगे कर रहे हैं, हम उसमें बेहतरीन करने का प्रयास कर रहे हैं, हम स्टूडेंट्स के जो है करियर को अभी भी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से एक शिक्षक को जो है इस फील्ड में अपने आप को जो है वो शामिल करना और इसका एक अच्छा नॉलेज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और लास्ट जो हमारा टॉपिक है 6 नंबर का, उसे हम कहते हैं शोध में नैतिकता, ठीक है, रिसर्च एथिक्स।
आप रिसर्च का वर्क करेंगे। देखिए, शोध में नैतिकता इसलिए इम्पॉर्टेंट है, आपको ये पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग जो है केवल, अगर आपने ध्यान दिया हो, केवल इसलिए पढ़ते हैं कि रिजल्ट बेहतरीन आए। नॉर्मली हम लोग जो बीए और एमए करते हैं या बीएससी एमएससी कर रहे हैं, यूजी पीजी जो करते हैं, यूजी पीजी करने में जो मार्क्स हमारे आते हैं, केवल और केवल पूरा फोकस हमारा इस पे होता है कि हमारे मार्क्स जो है वो बहुत अच्छे आने चाहिए। मतलब स्कोर बहुत अच्छा आना चाहिए, मेरी रैंक जो है वो, मतलब मेरा जो ग्रेड है वो ए आना चाहिए, मैं बी ग्रेड में ना हूँ, इस तरीके की भावनाएं होती हैं। लेकिन बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने आप को इस चीज़ में तसल्ली दिलाते हैं या मेंटली इस बात से सेटिस्फाई होते हैं कि भले ग्रेड कम आया लेकिन नॉलेज वाइज मैं ग्रेड ए वाले से ज़्यादा हूँ। तो जो शोध होता है, शोध में भी बहुत सारे ऐसे टर्म आते हैं, बहुत सारी ऐसी जगहें आती हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट आते हैं जहां पे ऐसे लगता है कि ठीक है, 100 लोगों का इंटरव्यू लेना है और 90 लोगों का लेकर के उसमें एवरेज निकाल करके हमने 100 का नंबर वहां पे दिया, बट इंटरव्यू लेने हम 90 के पास ही गए। कई बार ऐसा होता है, मैं तो 90 की बात कर रही हूँ जो बहुत अच्छा स्कोर है, कई बार ऐसे होता है कि हम 100 का जो है वो नाम दिखा देते हैं। अब वो 100 नाम कौन होते हैं? मेरी बहन हो गई, मेरा भाई हो गया, मेरा बेटा हो गया, मेरी बहू हो गई, मेरी बेटी हो गई, मेरा दामाद हो गया, मतलब ऐसे ऐसे नाम दिखा देते हैं जो रोज हमारे सामने रहते हैं। क्योंकि जो हम इंटरव्यू फॉर्म बनाते हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा डिटेल क्या लेते हैं, कोई व्यक्ति है उसका नाम क्या है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, ज्यादा से ज्यादा आजकल ईमेल आईडी हम लोग लिखने लगे हैं, और एज ग्रुप क्या है, इतना ही लिखते हैं हम लोग। एड्रेस हो सकेगा तो वो भी लिखेंगे, तो इस तरीके की चीजें लिखते हैं। तो हम जगह जगह लोगों के पास नहीं जाते हैं या पर्सनली जो है वो लोगों को कांटेक्ट नहीं करते हैं, और ऐसे हम लोग जो है वो रैंडमली अपने जानकारों को जो है वो इंटरव्यू फॉर्म के अंदर जो है वो उनके नाम से पूरे फॉर्म भर देते हैं और उसको हम सबमिट कर देते हैं कि ये लो हमारे पास ये रिसोर्स है कि 100 लोगों का हमने इंटरव्यू लिया। तो ये क्या एथिकल होगा? नो, दिस इज नॉट एथिकल, ये अनएथिकल होता है। इस वजह से इस टॉपिक को इसमें डाला गया है कि आप जो है शोध करें तो शोध में अपनी नैतिकता को पूर्णतः बरकरार रखें, उस नैतिकता को आप ना खोएं। इस वजह से जो है आपको ये पढ़ना जरूरी है। तो ये जो है मैंने अभी सिलेबस आपको बता दिया जो शोध विषय का है, अनुसंधान विषय का है, उस यूनिट का है। हमें 6 पार्ट में जो है इस टॉपिक को कंप्लीट करना है, और इन 6 पार्ट्स के बाद जो है इन बिटवीन भी और कंप्लीट होने के बाद भी जो है हम लोग कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे। तो मुझे लगता है आप लोगों का टॉपिक जो है ये पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा और अच्छे तरीके से हो जाएगा। फिर भी अगर कोई बात होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं।